ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। रामकृष्ण वचनामृत चिंतन आज सप्तम पर्व। जहाँ तक आप लोगों को याद होगा, प्रसंग चल रहा था रामकृष्ण वचनामृत ग्रंथकार का श्री रामकृष्ण के साथ द्वितीय साक्षात्कार। पिछली चर्चा में हमने देखा था एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा श्री रामकृष्ण करते हैं। मास्टर महाशय उनसे प्रश्न करते हैं मूर्ति पूजा को लेकर लोगों में जागरूकता लाने का। श्री रामकृष्ण तत्क्षणात उत्तर देते हैं कि तुम कलकत्ता के लोगों को सिर्फ लेक्चर देना और दूसरों को समझाना इतना ही तुम लोग समझते हो, परंतु खुद को कौन समझाए इसका कोई ठिकाना नहीं। तो उस मूर्ति पूजा के प्रसंग में हमने देखा था कि मूर्ति पूजा वैसी निरर्थक वस्तु नहीं है जैसी कि अक्सर अर्धशिक्षित या अशिक्षित लोग समझते हैं। अशिक्षित से अर्थ तथाकथित आधुनिक शिक्षा से जिनका परिचय नहीं हुआ उन लोगों से नहीं है। यहाँ अशिक्षित का अर्थ उन लोगों से है जो सनातन धर्म सनातन संस्कृति की कोई जानकारी रखे बिना ही बहुत सी बातों की समालोचना किया करते हैं। तो उसी प्रसंग में हमने देखा था कि हिंदू शास्त्रों में भी सनातन धर्म में भी मूर्ति पूजा का उस प्रकार से कहीं महिमा मंडन भी नहीं किया जाता है कि उसके बिना कोई कार्य चलेगा ही नहीं, कोई आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है, ऐसा भी कहीं नहीं कहा गया और न ही उसे बिल्कुल ही निरर्थक वस्तु माना गया है। साधना के बहुत से सोपान होते हैं और उन सोपानों में से एक है मूर्ति पूजा। हमारे शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि मूर्ति पूजा एक निकृष्ट स्तर की साधना है, परंतु यहाँ निकृष्ट का अर्थ यह नहीं कि वह निरर्थक है। निकृष्ट सिर्फ इस संदर्भ में कहा जाता है कि उससे भी उच्च स्तर की साधनाएं होती है, परंतु उन स्तरों तक पहुंचने के लिए अक्सर मूर्ति पूजा को माध्यम बनाया जाता है। यह चर्चा हमने पिछली बार की थी। आज उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ने से पहले और एक तुलना हमारे मन में आती है। आप लोगों में से जिन्होंने भगवद गीता का पठन किया होगा उन्हें पता होगा भगवद गीता में 18 अध्याय है और पहला ही अध्याय है जिसका नाम दिया गया है अर्जुन विषाद योग। तत्पश्चात द्वितीय अध्याय है भगवद गीता का जिसके बारे में जिसे सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों अध्यायों के संदर्भ में यदि देखा जाए, प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, प्रायः हम देखा करते हैं जीवन में हम विषाद को कोई स्थान नहीं देना चाहते, परंतु भगवद गीता में तो देखा जाता है कि उस विषाद को भी एक योग के रूप में याद किया जा रहा है। यानी विषाद या उससे उत्पन्न जो पीड़ा है वह पीड़ा भी ईश्वर से योग करने का, ईश्वर से मिलन का एक साधन हो सकता है, ऐसा भगवद गीता हमें सिखाती है। यहाँ यह तुलना इसलिए की जा रही है कि मास्टर महाशय जब श्री रामकृष्ण के समीप उपस्थित होते हैं, जब पहली बार वे श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आते हैं, तब वे अपनी पारिवारिक परेशानियों की वजह से बहुत ही खराब परिस्थितियों से गुजर रहे थे। हमने पहले भी चर्चा की थी कि वे तो
आत्महत्या करने तक का विचार मन में ला चुके थे। इतनी कठिन परिस्थितियों में, इतनी मानसिक रूप से विध्वस्त करने वाली परिस्थितियों में वे श्री रामकृष्ण के संपर्क में आते हैं, तो उनके जीवन में उस समय कैसा विषाद रहा होगा, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। तो भगवद गीता के समान यहाँ भी हम देखते हैं कि विषाद लेकर जो व्यक्ति श्री रामकृष्ण के समीप उपस्थित हुआ, उसके जीवन में इतना परिवर्तन आ गया और वही इस ग्रंथकार के रूप में हमारे सामने मानो अमर हो जाते हैं। और भगवद गीता का जो द्वितीय अध्याय है, जिसे सांख्य योग के नाम से हम जानते हैं, और बहुत से विद्वानों का मत है कि संपूर्ण भगवद गीता का सार द्वितीय अध्याय में ही आ जाता है। जिसने भगवद गीता का द्वितीय अध्याय अच्छी तरह से समझ लिया, उसे भगवद गीता के अन्य अध्यायों का अध्ययन करने की भी शायद आवश्यकता न हो, ऐसा बहुत से विद्वानों का मत है। और यहाँ हम देखते हैं, द्वितीय अध्याय तो नहीं कहेंगे, परंतु मास्टर महाशय की जब श्री रामकृष्ण के साथ द्वितीय मुलाकात होती है, द्वितीय साक्षात्कार, इस द्वितीय साक्षात्कार के प्रसंग को यदि हम अच्छी तरह से समझ लें, तो हमारे मत से ऐसा लगता है कि फिर शायद संपूर्ण इस रामकृष्ण वचनामृत के पठन की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। इतना महत्व हमारी अल्प दृष्टि से, हमारी अल्प बुद्धि से इस द्वितीय साक्षात्कार का है। और इस द्वितीय साक्षात्कार के प्रसंग में हम पहले ही देख चुके हैं कि किस प्रकार से मास्टर महाशय जब द्वितीय बार रामकृष्ण देव के समीप आते हैं, श्री रामकृष्ण उनसे तीन चार प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न देखने में बड़े सामान्य हैं, तुम कैसे हो, तुम्हारा विवाह हुआ है या नहीं, तुम्हारे बच्चे हुए या नहीं, इस प्रकार के कुछ तीन चार प्रश्न श्री रामकृष्ण करते हैं, जिनका बाह्य दृष्टि से संभवतः कोई महत्व नज़र नहीं आता, परंतु एक विशाल परिवर्तन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन इस बीच घट जाता है। इन चार प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात और इन चार प्रश्नों के उत्तर की श्री रामकृष्ण जिस प्रकार से प्रतिक्रिया देते हैं, उन प्रतिक्रियाओं के पश्चात स्वयं मास्टर महाशय लिखते हैं कि उनके जीवन से अहंकार पूरी तरह से विगलित हो चुका है। और इस अहंकार शून्य व्यक्ति के द्वारा इस रचित ग्रंथ में फिर हम देखते हैं कि मास्टर का स्वयं का व्यक्तित्व कहीं भी इतना महत्वपूर्ण होकर नहीं उभरता है जो श्री रामकृष्ण के जीवन या उपदेशों पर अपना प्रभाव डाले। तो इस ग्रंथ की रचना के पूर्व लेखक का जो अहंकार शून्य होना अत्यावश्यक था, इस महत्वपूर्ण कार्य को श्री रामकृष्ण अपने तीन चार प्रश्नों के माध्यम से ही साधित कर लेते हैं। यह चर्चा हम पिछले प्रसंगों में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि उस अहंकार के चूर्ण होने के पश्चात मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण से कुछ प्रश्न करते हैं। देखिए, पहले प्रसंग में श्री रामकृष्ण ने कुछ प्रश्न किए थे और मास्टर महाशय उसका उत्तर देते हैं। अब जो चर्चा हम करने जा रहे हैं, उसमें हम देखेंगे मास्टर महाशय कुछ प्रश्न करते हैं और श्री रामकृष्ण उसका उत्तर देते हैं। और इसीलिए हमने कहा कि इस संपूर्ण साक्षात्कार को, इस पूरी द्वितीय मुलाकात को यदि हम गहराई से समझने का प्रयास करें, तो आध्यात्मिक जीवन की हमारी सारी समस्याओं का समाधान यहीं हो जाता है। तत्पश्चात जो कुछ भी हम इस ग्रंथ में पढ़ते हैं, वह बहुत अधिक पुनरावृत्ति की श्रेणी में ही आ सकता है। तो हम देखते हैं अगला प्रश्न, या प्रथम प्रश्न जो मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण से करते हैं। पहले हम उस प्रश्न को और श्री रामकृष्ण के उत्तर को देख लेते हैं, उसके बाद उस पर चिंतन करेंगे। मास्टर, विनीत भाव से, ईश्वर में मन किस तरह लगे? श्री रामकृष्ण, सर्वदा ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए,
सत्संग करना चाहिए, बीच बीच में भक्तों और साधुओं से मिलना चाहिए। संसार में दिन रात विषय के भीतर पड़े रहने से मन ईश्वर में नहीं लगता। कभी कभी निर्जन स्थान में जाकर ईश्वर की चिंता करना बहुत जरूरी है। प्रथम अवस्था में बीच बीच में एकांतवास किए बिना ईश्वर में मन लगाना बड़ा कठिन है। पौधे को चारों ओर से रूंधना पड़ता है, नहीं तो बकरी चर लेगी। ध्यान करना चाहिए मन में, कोने में और वन में, और सर्वदा सत असत विचार करना चाहिए। ईश्वर ही सत अथवा नित्य वस्तु है और सब असत अनित्य। बारंबार इस प्रकार विचार करते हुए मन से अनित्य वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। यह था मास्टर महाशय का प्रश्न और श्री रामकृष्ण देव का उत्तर। प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है। ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण रूप से संसार में डूबा है, जिसे आध्यात्मिकता से कुछ लेना देना ही नहीं है, उनकी बात छोड़ दीजिए। परंतु संसार में ऐसा घोर आसक्त, संसार में पूरी तरह से डूबा हुआ व्यक्ति भी जब अध्यात्म की ओर अभिमुख होता है, ऐसे प्रारंभिक अवस्था वाले व्यक्ति को लीजिए, या जिसने अध्यात्म के पथ पर चलना प्रारंभ कर दिया है ऐसे व्यक्ति को लीजिए, या जिसने चलना प्रारंभ कर दिया है और बहुत समय से अपने आप को आध्यात्मिक साधक के रूप में जो मानता है या मानने का भ्रम पाल बैठा है, और आध्यात्मिक जीवन में भी जिसने 8, 10, 15 या 25, 50 वर्ष भी बिता दिए हैं, इन सभी श्रेणी के साधकों को यदि देखा जाए, यानी जो अध्यात्म पथ पर चलना प्रारंभ करना चाहता है, या जिसने प्रारंभ कर दिया है, या अध्यात्म के पथ पर बहुत वर्ष से चल रहा है, इन सभी श्रेणी के भक्तों साधकों के मन में एक प्रश्न बारंबार उभर कर आता है, और यह अक्सर देखा जाता है कि प्रश्न किया जाता है, ईश्वर में मन कैसे लगे। जो प्रारंभिक अवस्था में है उनका ही नहीं, जो बहुत वर्षों से अपने आप को आध्यात्मिक साधक समझते हैं उनके सम्मुख भी यह समस्या आती है कि ईश्वर में मन कैसे लगे। और श्री रामकृष्ण उसका जो उत्तर देते हैं अभी अभी हमने जो सुना, उस पर थोड़ा विचार करें। पहला ही वाक्य श्री रामकृष्ण कहते हैं, सर्वदा ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए। क्यों? बहुत ही स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति बहुत वर्षों से आध्यात्मिक जीवन में है, वह भी जब देखता है कि उसका मन ईश्वर में नहीं लगता है, तो कारण एक ही है। हम कितने वर्षों से अपने आप को साधक समझ बैठे हैं, या हो सकता है कि हमने अपने वस्त्र भी बदल लिए हो, बाहरी तौर पर शायद हम आध्यात्मिक श्रेणी में गिने जाते हों, परंतु मन यदि ईश्वर में नहीं लगता है, तो वह बाह्य परिवेश कितना भी बदल जाए, बाहरी रूप से हमारा चोला कितना भी बदल जाए, मूल रूप से हम वहीं के वहीं रह जाते हैं जहाँ से हमने यात्रा प्रारंभ की हो। और इस परेशानी का कारण क्या होता है? इस समस्या का कारण एक ही है कि मन ईश्वर में लगता ही नहीं है। हम यदि मुख से ईश्वर का नाम लेते भी है तो मन वहाँ पर नहीं लगता है। मुँह से भले हम ईश्वर का नाम लेते रहे, पर मन कहीं और होता है। और आध्यात्मिक साधकों के साथ तो यह समस्या और भी विकट है। जो सांसारिक व्यक्ति है, जो अपने आप को घोर संसारी समझता है, जो अध्यात्म की चिंता ही नहीं करता, वह व्यक्ति वरन ईमानदार है, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से मानता है कि मुझे ईश्वर से कुछ, धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे इस संसार से ही जो कुछ पाना है वही मेरे जीवन का उद्देश्य है। परंतु ईश्वर को पाने का प्रयास या ईश्वर को पाने की घोषणा करने के पश्चात यदि हम मन में सांसारिक वस्तुओं का ही चिंतन करते रहें,
तो फिर यह एक प्रकार का अपराध हो जाता है, एक प्रकार का पाखंड हो जाता है। मन में यदि हम संसार की वस्तुओं की कामना करते हैं और ऊपर से यदि हम ईश्वर प्रेरित जीवन जीने का प्रयास या ढोंग करते हैं तो मन निश्चित रूप से ईश्वर में नहीं लगता। और इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं सर्वदा ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए। जिस व्यक्ति को हम चाहते हैं, जिस वस्तु को हम चाहते हैं, संसार की जिस भी वस्तु में हमारी आसक्ति हो उसके बारे में हम रात दिन चिंतन करते हैं और उस चिंतन के फलस्वरूप हम उसी प्रकार से प्रयास भी करते हैं और उन प्रयासों के फलस्वरूप हम उस वस्तु की उपलब्धि कर पाते हैं। तो यही बात ईश्वर लाभ के संपर्क में भी कही जा सकती है। यदि हम रात दिन ईश्वर का गुणगान ही नहीं करें, ईश्वर का स्मरण ही नहीं करें, तो फिर ईश्वर में मन कैसे लगेगा। और इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं कि सर्वदा ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए, तभी जाकर हम ईश्वर में मन लगा पाएंगे। और इसका एक आनुषंगिक उपाय श्री रामकृष्ण और बता देते हैं। वे कहते हैं सत्संग करना चाहिए, बीच बीच में भक्तों और साधुओं से मिलना चाहिए। भक्तों और साधुओं से मिलने के बाद श्री रामकृष्ण क्यों कहते हैं, जिस प्रकार से सांसारिक वस्तु की उपलब्धि की कामना यदि हमारे मन में है तो हम वैसे ही व्यक्तियों से मिलने का प्रयास करते हैं, वैसे ही व्यक्तियों से अपना परिचय बढ़ाने का प्रयास करते हैं जो हमारी उन सांसारिक उपलब्धियों के मार्ग में सहायक हो सके। और इसीलिए यदि ईश्वर के पथ पर हमें अग्रसर होना है, ईश्वर उपलब्धि करना है, तो ऐसे व्यक्तियों से मिलना होगा जो हमें ईश्वर के मार्ग पर आगे ले जा सके। और इसी का नाम है सत्संग। सत्संग का अर्थ सिर्फ किसी आश्रम में जाना या किसी भजन कीर्तन में शामिल होना या जो बाहरी तौर पर ईश्वर प्रेरित जीवन जीते हैं उनके साथ रहना ही नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति, भले उसने संसार का त्याग नहीं किया हो, परंतु ऐसा कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हमारे मन को ईश्वर की ओर ले जा सके, उस व्यक्ति, उस वस्तु या उस स्थान के संपर्क में आना, यही कहलाता है सत्संग। और सबसे अच्छा सत्संग, यदि ऐसा कोई व्यक्ति हमें उपलब्ध नहीं है, ऐसा कोई स्थान यदि हमारे सामने उपलब्ध नहीं है, ऐसी कोई वस्तु यदि हमारे पास नहीं है जो ईश्वर का स्मरण हमें करा सके, तो शास्त्रों में वर्णित जो सबसे अच्छा उपाय है वह है स्वाध्याय। हम ऐसे शास्त्र, हम ऐसे ग्रंथ, हम ऐसे किसी भी साहित्य का अध्ययन करें जो हमारे मन को उच्च स्तर पर रख सके, जो हमारे मन को संसार की तरफ, संसार की अनित्य वस्तुओं की तरफ खींचकर नहीं ले जाए। ऐसे साहित्य का अध्ययन भी एक प्रकार का सत्संग ही है। और इसलिए श्री रामकृष्ण स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि सर्वदा ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। और सत्संग के प्रसंग में श्री रामकृष्ण कहते हैं भक्तों और साधुओं से मिलना चाहिए। अपनी बात को और भी स्पष्ट रूप से समझाने के लिए श्री रामकृष्ण कहते हैं संसार में दिन रात विषय के भीतर पड़े रहने से मन ईश्वर में नहीं लगता। अब होता यह है कि हम रात दिन सांसारिक विषयों का ही चिंतन करते रहते हैं। देखिए, गृहस्थ के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह अर्थ उपार्जन करे, धन उपार्जन करे, वह अपना व्यवसाय संभाले, वह अपनी नौकरी करे या दूसरा ऐसा कोई भी कार्य जो उसके सांसारिक जीवन के लिए आवश्यक है। इन कार्यों की कहीं निंदा नहीं की गई है, परंतु यहाँ श्री रामकृष्ण कहना चाहते हैं कि उन कार्यों को करते समय भी यदि हम हमारे मन को ईश्वर में लगाए रखने का प्रयास करें तो फिर हमारे मन में अधिक से अधिक ईश्वर का चिंतन हो सकता है। परंतु सिर्फ सांसारिक विषयों का ही चिंतन करते रहें तो यह हमारे आध्यात्मिक मार्ग में सहायक नहीं होगा। और इसलिए श्री रामकृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं संसार में दिन रात विषय के भीतर पड़े रहने से मन ईश्वर में नहीं लगता। तो जब फिर संसार में यदि दिन रात हम पड़े रहें और उसमें उससे ईश्वर में मन नहीं लगता, तो उपाय क्या है?
उपाय के रूप में श्री रामकृष्ण समझाते हैं, कभी कभी निर्जन स्थान में जाकर ईश्वर की चिंता करना बहुत जरूरी है। प्रथम अवस्था में बीच बीच में एकांतवास किए बिना ईश्वर में मन लगाना बड़ा कठिन है। इसी बात को और भी स्पष्ट रूप से श्री रामकृष्ण के उपदेशों में एक बात जो बार बार हम देखते हैं कि वे जब कोई उपदेश देते हैं तो सिर्फ उपदेश देकर शांत नहीं हो जाती, वे उस उपदेश को समझाने के लिए बहुत ही सटीक उदाहरणों या कभी कभी छोटी कहानियों का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान श्री रामकृष्ण कर रहे हैं कि रात दिन विषयों में लगे रहने से, विषय चिंता, संसार की चिंता करने से ईश्वर में मन नहीं लगता, इसलिए बीच बीच में निर्जन स्थान में जाना चाहिए। और इस निर्जन स्थान में जाने के महत्व को समझाने के लिए वे एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हुए कहते हैं, पौधे को चारों ओर से रूंधना पड़ता है, नहीं तो बकरी चर लेगी। मान लीजिए एक छोटा सा पौधा आपने लगाया, आप जानते हैं कि वह पौधा यदि बड़ा होकर उसे पूर्ण विकास का यदि अवसर दिया जाए तो वह एक सुंदर वृक्ष में परिणत होगा। न सिर्फ देखने में सुंदर होगा, उसमें शायद बहुत ही रसीले फल भी लगेंगे। उन फलों की आशा में यदि हम एक छोटा पौधा लगाएं और उसे किसी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं करें तो हो सकता है कि कोई गाय बकरी कोई आकर उस पौधे को चर ले। तो जो पौधा बड़ा होकर एक वृक्ष के रूप में बहुत वर्षों तक निस्वार्थ रूप से एक सेवा दे सकता था, अपने फलों द्वारा बहुत से लोगों के मन को संतुष्टि दे सकता था, राह चलते राहगीरों को छाया प्रदान कर सकता था, अपनी लकड़ी के माध्यम से बहुत से व्यक्तियों की आजीविका का समाधान कर सकता था, बहुत से पशु पक्षियों के जीवन का आश्रय बन सकता था, इतना महत्वपूर्ण एक वृक्ष यदि हम प्रारंभिक अवस्था में यदि उसका ठीक ठीक ख्याल नहीं रखें तो कोई भी गाय बकरी उसे चरकर उसे खाकर नष्ट कर सकती है। और ठीक यही हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए होता है। इसलिए श्री रामकृष्ण बार बार जोर देते हैं कि बीच बीच में निर्जन स्थान में जाना चाहिए। आजकल के समय में देखा जाए तो वो कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में वर्क स्ट्रेस कहा जाता है, और उसके समाधान के रूप में बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक तक कहते हैं कि कुछ दिन कार्य से छुट्टी लेकर और कहीं घूमने फिरने जाना चाहिए, साइट सीइंग के लिए जाना चाहिए। वह प्रसंग अलग है, परंतु एक बात में आधुनिक मनोविद और अध्यात्म एक ही स्तर पर बात करते हैं। आधुनिक व्यक्ति भी चाहता है कि उसके कार्य से कुछ समय के लिए वह विरत होकर निश्चिंत रूप से निर्जनवास कर सके। और यहाँ अध्यात्म में भी श्री रामकृष्ण वही कहते हैं कि बीच बीच में निर्जनवास करना चाहिए। उद्देश्य अलग है, आधुनिक व्यक्ति निर्जनवास में जाता भी है तो वह अपने मन में सैकड़ों प्रश्न लेकर ही जाता है, और भले वह किसी सुंदर स्थान में जाए परंतु मन उसका अपने कार्य में ही कहीं लगा रहता है। यहाँ श्री रामकृष्ण कहते हैं कि आप जब निर्जन स्थान में जाएं तो पूर्ण रूप से ईश्वर के चिंतन का ही प्रयास करें। और इस प्रकार से यदि निर्जनवास यदि नहीं होता है तो अध्यात्म का जो अंकुर हमारे मन में फूटा है वह रात दिन संसार में रहते रहते सांसारिक चिंता के बीच में ही वह अंकुर नष्ट हो सकता है। जिस प्रकार से एक छोटे पौधे को यदि बेड़ा नहीं लगाया जाए, उसे यदि कोई घेरा नहीं दिया जाए, उसे कोई सुरक्षा नहीं दी जाए तो उसे कोई भी जंगली पशु या पालतू पशु उसे नष्ट कर देता है। ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक साधन के लिए प्रथम अवस्था में बहुत आवश्यक है कि वह निर्जन स्थानों में जाए। अब निर्जन स्थान कहाँ मिलेगा उसका वर्णन श्री रामकृष्ण करते हैं और कहते हैं, ध्यान करना चाहिए मन में, कोने में और वन में। तो यह जो निर्जन स्थान की व्याख्या, यह भी श्री रामकृष्ण ने कर दी। वे तीन स्थान ऐसे बताते हैं जहाँ यह निर्जनवास हम कर सकते हैं। बांग्ला में बड़े सुंदर ढंग से इस बात को कहा जाता है, ध्यान कोरबे मौने बौने कोने।
हिंदी में उसी को कहा गया है कि मन में, कोने में और वन में। अब निर्जन स्थान में ईश्वर चिंतन करने के लिए यह जो तीन स्थान श्री रामकृष्ण बताते हैं, इनमें से वन तो आजकल लगभग गायब ही हो गए हैं। बड़ी मुश्किल से वन बचे हुए हैं, और जो वन बचे भी हैं तो वहाँ इस प्रकार की शांति शायद नहीं मिलेगी। जम्मू कश्मीर के प्रसंग में तो वन में जाना और भी खतरनाक है, पता नहीं कौन आतंकवादी कब आपको ईश्वर से सीधा मिलन कर दे। तो यहाँ यह जो तीन उपाय श्री रामकृष्ण बताते हैं कि वन में, यह उपाय भी शायद सभी के लिए संभव नहीं हो, क्योंकि एक आम व्यक्ति अपना घर, अपना परिवार छोड़कर अपनी नौकरी से कुछ दिन छुट्टी लेकर, यदि छुट्टी मिल भी जाए, कुछ दिन अवकाश मिल भी जाए, तो शायद किसी वन में जाना उसके लिए संभव नहीं हो सकता है। दूसरा उपाय श्री रामकृष्ण बताते हैं, जो वन में नहीं जा सकते उनके लिए वे कहते हैं कोने में। कोने का अर्थात आपके घर में ही यदि एक कोई निर्जन स्थान आप ऐसा बना ले जहाँ आप कुछ समय के लिए निश्चिंत रूप से बिना किसी व्यवधान के ईश्वर चिंतन कर पाए। परंतु फिर यहाँ भी समस्या आती है कि यदि घर बहुत छोटा है, परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक है, तो ऐसा कोई निर्जन कोना मिलना भी मुश्किल हो सकता है। और फिर घर में यदि टीवी लगा हो, दूसरे भी यदि बहुत से व्यवधान हो, आपके घर में टीवी नहीं भी चले तो शायद पड़ोसी के घर का टीवी इतनी ज़ोर से चलेगा कि आप कहीं भी शांति से निर्जन स्थान नहीं पा सकेंगे। तो श्री रामकृष्ण ने जो तीन स्थान बताते हैं उसमें से वन और कोना, ये मिलना भी आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है। तो बचता है तीसरा, और तीसरा है मन। घूम फिर कर बात वहीं आती है कि अपने मन को यदि हम उस प्रकार से तैयार नहीं करें तो किसी भी क्षेत्र में, सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र की बात नहीं है, किसी भी क्षेत्र में मन को जब तक आप उस कार्य के लिए प्रस्तुत नहीं करें जिस कार्य को आप करना चाहते हैं, जिस कार्य में आप सिद्धि चाहते हैं, उस कार्य के लिए यदि मन तैयार नहीं हो तो फिर कुछ भी करना, कितनी भी सुविधाएं आपको मिली हो, परंतु मन की अनुपलब्धि यदि हो तो उस कार्य में सफलता नहीं मिलती। इसलिए ध्यान करने के तीन स्थान भले ही श्री रामकृष्ण ने बताए हो, वन में, घर के ही किसी कोने में या मन में, परंतु अधिकतर लोगों के लिए शायद सबसे व्यवहारिक उपाय यही होगा कि वे यदि अपने मन को ऐसा बना सके कि फिर भले ही घर में बहुत प्रकार का शोर हो रहा हो, दूसरी कुछ बाधाएं हों, बाहर यदि आप निर्जन में नहीं जा सकें, कहीं या आश्रमवास नहीं कर सकें, तो भी मन यदि आपका आध्यात्मिक साधना के लिए तैयार है तो वह मन आपको निर्जन स्थान इस प्रकार से उपलब्ध करा सकता है जहाँ ईश्वर का चिंतन किया जा सकता है। और फिर इन तीन स्थानों में से किसी एक स्थान में आप चले भी गए तो आप चिंतन क्या करेंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए श्री रामकृष्ण उसका स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं, सर्वदा सत असत विचार करना चाहिए। अब यह सत असत विचार क्या है, यह श्री रामकृष्ण समझाते हैं। ईश्वर ही सत अथवा नित्य वस्तु है और सब असत अनित्य। बारंबार इस प्रकार विचार करते हुए मन से अनित्य वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, यानी ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब असत है। असत का अर्थ यह नहीं कि उनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सांसारिक जितने भी वस्तुएं दिखाई देती है सबका अस्तित्व तो है, इसे तो हम नकार नहीं सकते, यह तो हमारा सबका व्यावहारिक अनुभव है। परंतु यहाँ असत का अर्थ श्री रामकृष्ण समझाते हैं अनित्य, यानी आज है कल नहीं। आज जिस वस्तु में हमारा मन आकर्षित हो रहा है, कल शायद वह वस्तु उपलब्ध ही नहीं हो। कल यदि वह वस्तु उपलब्ध भी हो तो शायद हमारा मन उसकी तरफ उतनी अच्छी तरह से आकर्षित नहीं हो जितना आज हो रहा है। तो चूंकि बाहरी चीज़ों के बारे में यह देखा जाता है कि वे परिवर्तनशील है, उनके प्रति हमारा आकर्षण भी परिवर्तनशील है, इस संदर्भ में श्री रामकृष्ण कहते हैं कि वे अनित्य है।
और यदि हम थोड़ा विचार कर देखें तो ईश्वर एकमात्र सत्य वस्तु है, नित्य वस्तु है, और बाकी संसार की समस्त वस्तुएं, वे चाहे हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारी नौकरी, हमारा व्यवसाय, हमारा धन, हमारा ऐश्वर्य, जो भी वस्तु हो, परंतु ये परिवर्तनशील है, और चूंकि परिवर्तनशील है इसलिए अनित्य है। और यदि अनित्य है तो क्या इनका त्याग कर देना है? नहीं, वह भी श्री रामकृष्ण नहीं कहते। वह प्रसंग अगले चर्चा में आएगा, अभी हम उसकी बात नहीं करते। परंतु यहाँ श्री रामकृष्ण देव ने आध्यात्मिक जीवन के शायद संभवतः सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर यहाँ उन्होंने दिया, ईश्वर में मन कैसे लगे। तो एक बार फिर यदि संक्षेप में इस श्री रामकृष्ण के इस उत्तर को देखते हुए उसका थोड़ा चिंतन हमने जो आज किया उसकी पुनरावृत्ति यदि करें तो श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर में मन लग सकता है बशर्ते, सबसे पहली बात तो श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए। क्योंकि जिस वस्तु का हम विचार ही नहीं करें उस वस्तु की उपलब्धि कैसे होगी? जिस वस्तु को हम पाते हैं उसके बारे में तो हम रात दिन चिंतन करते हैं। आजकल एक छोटा बच्चा भी जब प्राइमरी स्कूल में भी जाता है तो तभी से उसके दिमाग में डाल दिया जाता है कि शिक्षा के माध्यम से उसे नौकरी लेना है। तो वो फिर 20 वर्ष तक भी यदि अपना अध्ययनकालीन जीवन बीता है तो उन 20-25 वर्षों में भी उसके मन में विचार यही होता है, स्वप्न यही होता है कि उसे इस शिक्षा के माध्यम से एक नौकरी चाहिए। तो 20 वर्ष 25 वर्ष तक उसका चिंतन करने के पश्चात यदि उसे नौकरी मिलती है तो फिर ईश्वर को पाना हो तो स्वाभाविक है कि ईश्वर का भी उसी प्रकार से सब समय स्मरण होना चाहिए। और उस स्मरण के कुछ उपाय श्री रामकृष्ण बता देते हैं, कहते हैं सत्संग। सत्संग यानी ऐसे व्यक्तियों, ऐसे स्थानों, ऐसी वस्तुओं के सानिध्य में रहना जो हमारा मन ईश्वर की तरफ आकर्षित कर सके। और उस सत्संग का फायदा हमें तभी होगा यदि हम संसार में सब समय उसी संसार में पड़े रहें जिसमें अनित्य वस्तुओं का ही संपर्क अधिक है, तो वहाँ से जब तक हम थोड़ा अपने आप को अलग नहीं करेंगे तब तक वह सत्संग भी हमारे लिए विशेष लाभदायक नहीं होगा। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं बीच बीच में निर्जन वास करना चाहिए। इसीलिए हमारे बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो अपना समस्त सांसारिक कार्य छोड़कर कुछ समय के लिए आश्रम में आकर वास करते हैं या ऐसे किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं जहां अपनी सांसारिक गतिविधियों से वे कुछ समय के लिए विरत हो सके। तो निर्जन स्थान में जाने के बाद श्री रामकृष्ण करते हैं निर्जन स्थान का निर्धारण भी वे कर देते हैं। 3 स्थान ऐसे हैं मन में, कोने में या वन में जाकर निर्जन वास किया जा सकता है। और उसके बाद भी कहते हैं कि ध्यान करना है तो ध्यान इसी वस्तु का करना है कि ईश्वर नित्य, संसार की बाकी समस्त वस्तुएं अनित्य। तो यह आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न श्री मास्टर महाशय के माध्यम से हम देखते हैं कि ईश्वर में मन कैसे लगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आध्यात्मिक जीवन में होता है और उसका उत्तर श्री रामकृष्ण किस प्रकार देते हैं इस पर हमने आज संक्षिप्त चर्चा की। मास्टर महाशय के अगले भी कुछ बहुत ही ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन प्रश्नों पर और श्री रामकृष्ण के द्वारा प्रदत्त उत्तरों पर चिंतन हम अपनी अगली चर्चाओं में जारी रखेंगे। निरञ्जनं नित्यमनन्तरूपं भक्तानुकम्पाधृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमेड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।